नमामि धन्वन्तरि मादि देवं सुरासुरै वन्दित पाद पद्मं लोके जरारु भय मृत्युनाशं दातार भीषं विविधौषधीनां शंखं चक्रं चलोकां दधतं मृतघटम् चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीता नमस्कार आप सभी को स्टांग हृदय चिकित्सा स्थान के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रगति जी, मैडम वंदना जी, नमस्कार। विनीता जी, अभी समय है, हम पुनः थोड़ा सा इंतजार करते हैं। आई थिंक अभी और भी लोग जुड़ेंगे, 7 बज चुके हैं। नमामि धन्वन्तरि मादि देवं सुरासुरै वन्दित पाद पद्मं लोके जरारु भय मृत्युनाशं दातार भीषं विविधौषधीनां शंखं चक्रं चलोकां दधतं मृतघटम् चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराड्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी श्लोक जो आएगा सर पढ़ेंगे और आप लोग अनम्यूट करके सर के पीछे पीछे बोलिए। ये सर 131 नंबर का श्लोक कृपया पढ़िए और सब लोग सर के पीछे पीछे पढ़िए। सर का उच्चारण देखिए कितना बढ़िया है जी। सब लोग दाज्वर नाशक पक्व तैला व्यंग आदि इसको पढ़ना है ना। हाँ, सब लोग अनम्यूट करिए, सर के पीछे पीछे बोलिए। सूत्रोक्तैश्च गणैस्तैतं मधुराम्लकसायकैः सूत्रोक्तैश्च गणैस्तं मधुराम्लकसायकैः दुर्वादिभिर्वा पित्तघ्नैः सोदनादिगणोदितैः शीतवीर्ये हिमस्पर्शैः क्वाथकल्के कृतैः पचेत् तैलं सक्षीरमभ्यङ्गम् उत्साहोदाहज्वरापहम्
शिरोगात्रम च तैरेवं नातिपिष्टेहं प्रलेपयेत् तत्क्वाथेन परिषेक अमवगाहं च योजयेत् तथारणालसलिलं क्षोरक्षीरसुप्ताघृतादिभिः यहाँ अभ्यंग के लिए तैलों का प्रयोग बताया गया है। सूत्र स्थान में जो भी आपने पढ़ा मधुर गण में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय दसवें के बारहवें सूत्र में और अम्ल गण धात्री फल अम्लिका दस से पंद्रहवा दसवें अध्याय के पंद्रहवें सूत्र कषाय गण पयाक्ष दसवें अध्याय के इकतीसवें सूत्र दुर्वादि गण पंद्रहवें के छठे सूत्र यग्रोदादिग्रहण पंद्रहवें अध्याय के इकतालीसवें सूत्र पद्म कुंड्रो पंद्रहवें अध्याय के बारहवें सूत्र ये सभी पित्तनाशक शोधनादि गण संग्रह में कही गई शीत वीर्य शीत स्पर्श औषधियों के क्वाथ एवं कल्क से दूध के साथ सिद्ध किया तेल अभ्यंग करने पर फौरन दाह ज्वर नष्ट हो जाता है तथा इन्हीं द्रव्यों को कुछ हम दरदरा पीस कर सिर और अंगों पर लेप कर लें तो इन द्रव्यों के क्वाथ से परिषेक और अवगाहन करें। कांजी जल दूध शुक्त और घृत आदि से भी क्वाथ करें। ऐसा यहाँ वर्णन है, वक्तव्य पढ़ देता हूँ। लक्षण शुष्का घनौ लेपश चंदनस्यापि दाह कृत त्वगस्तस्य उष्मणौ रोधात् शीत कृत त्व अन्यथा गुरु। यहाँ आम्लांत प्रयोग में उष्ण और बाह्य लेप में शीत है, इसी से सिरका है, कोलोन वाटर है और मध्य, इन सभी को हम समझ सकते हैं। जी भाई जी, इसमें सारे ऐसे द्रव्य बताए मधुर तिक्त और कषाय रसात्मक और अम्ल गण का भी यूज किया है। ये सारे द्रव्य जो है ना ये दाह को दूर कर रहे हैं, ज्वर को दूर कर रहे हैं और परिषेक भी कर रहे हैं। तो परिषेक अवगाहन ये सब करने से क्या होता है कि हीट है बॉडी का वो कम हो जाता है जी। इसको हम टीका भी पढ़ दे, टीका बहुत बड़ा है इसका। आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है, कौन पढ़ेगा टीका? सबसे इंटेलिजेंट कौन है, कौन पढ़ना चाहेगा? बहुत सारे लोग ना सुनते हैं पढ़ते नहीं है। अगर पढ़ेंगे रीना मैम आप पढ़ेंगी क्या? ट्राई करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आप पढ़िए, ट्राई तो करिए सर। 133 नंबर का, हाँ उसके नीचे जो टीका है अरुंधत की उत्तरोक्त है। पढ़िए, हाँ पढ़िए। ठीक है सर। सूत्र तब से सूत्र स्थानों आदित्य मधुर अम्ल कसाय के ग्रहणे सत्र मधुरो गणो घृत हेम इत्यादि। इसका मतलब है, रुकिए 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 रुकिए, इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि सूत्रोक्त मतलब सूत्र स्थान में मधुर अम्ल कषाय गण के जो द्रव्य बताए, मधुर अम्ल कषाय, यहाँ पे तिक्त तिक्त रस को हटा दिया है, मधुर अम्ल कषाय गण के द्रव्यों का प्रयोग करना है। तत्र मधुरो गणो, अब मधुर गण में कौन से हैं? तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय दसवा में 22 नंबर का श्लोक है, उसमें घृत हेम, हेम मतलब सोना आदि जो भी द्रव्य हैं उन सब में जो जो मेडिसिन अवेलेबल है और हम लोग जो पेशेंट अफोर्ड कर सकता है उसका हमें परिषेक और अवगाह और अभ्यंग ये करना है। दूसरा पढ़िए अम्लोगणो। अम्लोगणो धात्री फला अम्लिका। हाँ अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, रुकिए रुकिए, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय दसवा में 25 नंबर का जो श्लोक है उसमें धात्री फला अम्लिका, धात्री फल अम्लिका तो ये सब बताए है जिसमें आम्लकी है और अम्लिका इमली, ये जो अम्लगण के जितने भी द्रव्य है उनका उल्लेख किया है। यहाँ पर बोला ही है कि सूत्र स्थान में मधुर अम्ल कषाय गण के द्रव्य, तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय दसवा निकालिए तो उसमें ना ये गण बताए हैं बहुत सारे, उनके द्रव्य से सिद्ध किया हुआ तेल का अभ्यंग करना है या फिर परिषय करना है या अवगाहन करना है जी।
और इन्होंने ये भी बोला है कि उसमें शीर भी बना सकते हैं, सुक्त बना सकते हैं, घृत सिद्ध कर सकते हैं, आरनाल या मध्य उसको सिद्ध करके और उसका फिर करें तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, कषाय गणों पढ़िए। इत्यादि कषायो गणा पथ्या 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 अक्ष मतलब हरित की आदि जो है, आदि का प्रयोग किया है कषाय गण में हरित की आदि। तो अष्टांग हृदय सूत्र सन अध्याय 10/31 श्लोक में ये सब बताए हैं। आगे पढ़ें सर। हाँ, इत्यादि इत्यादि तत्र क्षेत्र मधुर अम्ल कषायो वर्गः रुके, इसमें च इते मतलब इसमें जो मधुर अम्ल कषाय वर्ग के सारे द्रव्य बताए हैं उसमें से जो जो अवेलेबल है उनका प्रयोग करने के लिए बताया। आगे पढ़िए। तत्र दुर्वादि भी गरणे दुर्वा अनंता अनंता नहीं है अनंता अनंता। हाँ, दुर्वादि भी गण भी बताया है अष्टांग हृदय सूत्र सन अध्याय 15वां जो चैप्टर है उसमें 6वां नंबर का श्लोक है उसमें दुर्वादि गण बताया है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे यदि निर्दिष्ट एक नियोगो दहादी तृतीया तृतीया रुकिए रुकिए, तृतीया नहीं है, विसर्ग नहीं है। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि एक ये बता दिया दुर्वादि गण बता दिया उसमें दुर्वानंता आदि है, दूसरा है नेग्रोदादि गण बताया द्वितीय। आगे पढ़िए। द्वितीय तृतीयस्तु पग का पुंडो इत्यादि। हाँ, अब ये तृतीय गण कौन सा है तो पद्म कुंड आदि जो बताया 12 नंबर का पद्म आदि गण बताया उसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे चतुर्थ इत्यादि। हाँ, चतुर्थ गण कौन सा है तो सारीवा उशीर आदि गण जो है सारीवादी गण जो बताया है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐते ऐते पूर्वोक्त गणे प्रत्येक शोधनादि गण गण संग्रह तो शीत विधिये हिम हिम स्पर्शे वेश व्यस्त था स्पर्श स्पर्श तो विद्य विद्य तक्ष शीतो गुणे है काथा काथा कृता अकल्पा कल्का कृता ते क्वाथ कल्के क्रेते रेते गरणे इस्तेले शिरणे सह पचते तच। हाँ, पचते नहीं पचेत। अब रुकिए रुकिए थोड़ा। हाँ रुकिए, अभी आप ट्राई कर रही हैं लेकिन आप पढ़ रही हैं, अच्छा पढ़ रही हैं लेकिन पचते नहीं पढ़ना है, पचेत पढ़ना है। यहाँ विसर्ग नहीं है वो विसर्ग नहीं पढ़ना है। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि एते पूर्वोक्ते गणे मतलब ये जो पूर्व गण बताए हैं जैसे कि पहले जो बताया मधुर गण बताया अम्ल गण बताया कषाय गण बताया उसके बाद में दुर्वादि गण बताया फिर नेग्रोदादि गण बताया फिर पद्मकादि गण बताया सारीवादि गण बताया तो ये सारे जो द्रव्य है ना ये अभी 1 2 3 4 जो पहले ये गण बताया इसके बारे में बता रहे हैं। पहले वाले उसके पहले वाले तो अलग वर्ग था, अब दुर्वादि गण नेग्रोदादि गण फिर पद्मगादि गण और सारीवादी गण इसके बारे में बता रहे हैं कि एते पूर्वोक्ते गणे मतलब ये जो पूर्व उक्त गण है ये सब क्या होते हैं तो पित्तग नहीं पित्त का शमन करते हैं। शोधनादि गण संग्रहोक्ते ये शोधनादि गण बताए हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 15वां में। ये लोग ये सब क्या होते हैं गण शीत विरे ही शीत विरयात्मक होते हैं हिम स्पर्श स्पर्श में हिम रहते ठंडे रहते भेषजेस तथा स्पर्श तो विरतश्य शीत गुणे मतलब वो ऐसे भी शीत रहते हैं और शीत गुणात्मक भी रहते हैं शीत वीर के भी रहते हैं। अक्वाथा क्वाथा कृता या तो उनका क्वाथ बनाइए या पानी में भिगो के तब भी यूज कर सकते हैं। अकलका कलका कृता उनका कल्क बनाइए या फिर वैसे ही ले लीजिए। ते क्वाथ क्वाथ कल्की कृते रहते तैर गणेश तेल शिरेन सपचित उनका क्वाथ बनाइए कल्क बनाइए इस तरह से अलग अलग विधियों से लेके तेल सिद्ध करना है शिरेन सह पचित दूध के साथ उसको पका के और फिर तेल को सिद्ध करना है। आगे तच्च पक्वम तच्च पक्वम विज्ञात मक्षणात शद्धो न चिरेण काले दाह। हाँ रुकिए रुकिए, इसमें बोल रहे हैं कि जब हम पक्व ये तेल सिद्ध हो जाता है तो इसको हम लोग पीने के लिए देते हैं अम्र भक्षणात मतलब अंदर लेने के लिए देते हैं एक एक चम्मच
सद्यो न चीरेण कालीन, मतलब तुरंत ही इसका प्रयोग करना है, न चीरेण कालीन, बहुत दिन तक नहीं रखना है, तुरंत ही इसका प्रयोग करना है। दाह आगे बोल रहे हैं, एक मिनट रुके, एक मिनट। दाह ज्वर हरित, यह दाह को और ज्वर को दूर कर देता है ये तेल। आगे पढ़िए रीना जी, आप चली गई क्या या कोई और पढ़िए? नहीं तो नहीं सर, आगे दिखाई समझ नहीं आ रहा। अब नहीं दिख रहा है न केवलम मैतेर गणे, न केवलम, नहीं सर मेरे को नहीं समझ। इस साइड मिल गया सर। ज्वर जाते ना केवलम मेत गणे स्थले पचे दाह ज्वरे शानते तैरेव शिरो मुर्वान गात्र छा नाति पिष्टे किचित पिष्टे प्रलेप प्रलेप येत। रुकिए 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 रुकिए, इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि न केवलम मेतेर गणे स्थले पचे दाह ज्वर शानते, मतलब इनका हम लोग जब प्रयोग करते हैं ना तो ये केवल पाचन के लिए, दाह के लिए, ज्वर को शांत करता है, ऐसा नहीं है। मतलब हम लोग जब अभ्यंग करते हैं तो केवल अभ्यंग के लिए ना करें, इसका प्रयोग है कि यातरे शिरो मूर्धान, मतलब सिर में जो शिरो पिच्छू की तरह जब हम रखते हैं उस तरह से भी प्रयोग करेंगे तो फायदा होता है। गात्र जो नाति पिष्टे किंचित पिष्टे, मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे पिष्ट होना चाहिए। प्रलेपित, ऐसे लेप की तरह लगाना है इसको पूरा बॉडी में, प्रलेपित ऐसे लेप की तरह भी लगाना है। आगे पढ़िए तो पिष्टे होते प्रत्युत दाह उत्पगते तथा। रुकिए रुकिए, इसमें बोल रहे हैं या तो तेल सिद्ध करके प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम तेल में मिक्स करके यूज कर सकते हैं, लेकिन सुपिष्टे हेते बहुत ज्यादा पिसा हुआ अगर रहेगा तो दाह उत्पन्न कर सकता है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि गर्म भी होता है वो, ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि तेल तो खुद ही गर्म होता है ना, तिल तेल तो वो कोई भी तेल होता है वो उष्ण विरयात्मक होता है तो वो दाह उत्पन्न कर सकते हैं, भले हम शीत विरयात्मक सारे द्रव्य डाल रहे हैं लेकिन वो दाह नहीं उत्पन्न करना चाहिए, इसको ध्यान में रखना है। आगे तथा चोक्तम संग्रहे संलक्षण शुष्क घनो लेप चंदन श्यापी दाह कृत स्वगत स्वगत चशु मणो। संस्कृत में बहुत गलती हो रही है सर, कोई बात नहीं आप ट्राई करो। रोदाक्षी तत्कृत्य रुके 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 रुके, इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि ये क्यों बोल रहे हैं कि सुपिष्टे हेते प्रत्युत दाह उत्पद्यते, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा पिसा हुआ रहेगा ना जो भी हमारा द्रव्य है वो दाह उत्पन्न करता है। तथा च उक्तम, ऐसा ही संग्रह में भी बताया है, च उक्तम कहा है संग्रह सूत्र स्थान अध्याय 7 में कि श्लक्षण शुष्क घनो, अगर बहुत ज्यादा श्लक्षण क्या है पिसा हुआ है सूखा हुआ और घन गाढ़ा गाढ़ा लेप है, पिसा हुआ है और सूखा है और गाढ़ा है, ये लेपस चंदनस्यापि दाहकृत, चंदन का भी लेप लगाए जबकि वो शीत विरात्मक है तब भी वो दाह को उत्पन्न कर सकता है। त्वगत स्त्योष्मणो रुद्रा शीतकृत अन्यथा गुरु इति, तो ये क्या करता है त्वगत जो उष्मा रहती है वह उष्मा निकलने लगती है इसलिए बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, फिर उसमें शीतकृतत्व अन्यथा गुरु, तो फिर वो ना ठंडा होने के बाद भी तत्कृत्व अन्यथा, ठंडा होने के बाद भी वो जो पतला लेप रहता है वो तकलीफ करता है, मतलब दाह उत्पन्न कर देता है क्योंकि वो कोटिंग कर देता है ना, तो उसकी वजह से जो उष्मा है ज्वर में वो निकल नहीं पाता है, तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि नाति पिष्टे, मतलब थोड़ा सा ही मतलब पिसा हुआ होना चाहिए, बहुत ज्यादा पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उष्मा नहीं निकल पाएगी, तो फिर बहुत ज्यादा हमने पतला लेप लगा दिया तो उष्मा को वो निकलने नहीं देगा। वैजी, हाँ जी, ये क्लियर नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? यही मतलब कि दाह कैसे वो कर रहा है, अभी देखिए पतला लेप लगाना है या मोटा लेप लगाना है? मोटा लेप लगाएंगे तो थोड़ा तो उसमें ऐसे हीट निकलने का हमने रास्ता खोल दिया है लेप में, और बहुत पतला लगा दिया तो हीट नहीं निकल पाएगा।
जितने अपने मैम यहाँ पे मोटे का मतलब ना दरदरा है, मोटे का मतलब दरदरा है वो, और पतले का मतलब श्लक्षण है, मतलब बहुत ज्यादा जो पिसा हुआ होता है ना, तो ये कह रहे हैं कि उसकी कोटिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि कहीं से भी हवा को जो शरीर की ऊष्मा को निकलने की जगह नहीं मिलती, और उसकी वजह से वो उदाहकृत हो जाता है, ऐसा बोल रहे। ठीक, थैंक यू। रीना जी आप ट्राई करिए, देखिए ऐसे ही ना, पहले वंदना मैम भी घबराती थी, आज वंदना मैम ना आपको पढ़ा सकती है, इतना अच्छा संस्कृत हो गया, इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। क्या सर फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे एकदम से पढ़ने बैठी अचानक, तो सब लोगों के लिए फर्स्ट टाइम ही होता है ना, मुझे भी पहले डर लगता था, तो बाद में मेरे मैडम लोगों ने कहा कि पढ़ो ट्राई करो, फिर अच्छा अच्छा हो गया, तो ऐसे घबराना नहीं चाहिए। जी सर। हाँ पढ़िए। अनेनैवा भी प्रियाणी शीत ज्वरे वक्षति। हाँ ऐसा बोल रहे हैं कि शीत ज्वर में तो बोलते हैं कि हमें पतला लेप लगाना ही चाहिए। पढ़िए 141 श्लोक नंबर 141। ते शुपि शेष लेपित इति, इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि हम लोग ना जो शीत ज्वर होता है, ठंडी बज के जो बुखार आता है, उसमें हमें ना पतला सा लेप लगाना होता है कि वो शरीर को गर्म करे, इसलिए हम लोग सुपिष्टेश्च लेपित, ऐसा भी बताया इन्होंने। जी गात्र ग्रह ग्रहणे नैव शिरो ग्रहणे लवे पुनः शिरो ग्रहण विशेष विशेषम। हाँ अब इन्होंने बोला है कि गात्र ग्रहण, ये भी शब्द बोला है इस श्लोक में, इसका मतलब है कि सिर को भी हमें एक्सेप्ट, सिर पे भी हमें लेप लगाना है, शिरो ग्रहण विशेषार्थम, ऐसे बोल रहे हैं। आगे बोलिए। विशेषेण शिरो लेप ये तस्य विशेषेण हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि सिर पे भी लेप लगाना है हमारे, पूरे हेड पे लगाना है, क्योंकि ज्वर अगर है वहां पे अगर चला गया तो वहां पर भी लेप लगाने के लिए बोला है। तथा जो अस्तम विमुक्त श्यापे ही शिरो ज्वर यसे न उच्यते। एक मिनट रुके स्मिता जी, आप घर का आवाज सुनाना चाहती है तो आपको मैं वेटिंग रूम में रख दूं क्या? स्मिता देशमुख जी आप बार बार ऐसे कर रही हैं, मुझे वेटिंग रूम में रखना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ पढ़िए। इसमें ऐसे बोल रहे हैं विशेषण तथा चौक्तम विमुक्तस्यापि शिरो ज्वरो यस्य न मुञ्चति, मतलब पूरे बॉडी में ना ज्वर निकल गया है लेकिन सिर में कभी कभी ज्वर रहता है, सिरो ज्वरो न यस्य न मुञ्चति, उसमें लेप लगाने के बोलते हैं। अविमुक्त सब विज्ञो ज्वर पुनरुपैतितम, अविमुक्त हुए मतलब वो निकल गया है ज्वर, तब भी सिर में कहीं ना कहीं रहता है, इसलिए सिर में विशेष तस्मा शिरसो विशेषण लेपनार्थम प्रत्युपादानम, इसलिए सिर पे लेप लगाने के लिए इन्होंने स्पेशली बताया ये सारे द्रव्यों का, जो जैसे दुर्वादिगण है, नेग्रोदादिगण है, पद्मकादिगण है, सारीवादिगण है, ये शीत विधात्मक सारे द्रव्य हैं, इनका लेप लगाना है, तो इससे क्या होता है कि बॉडी में जो टेम्परेचर, सिर में जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। यहां से पढ़े तेषाम। वैजी हाँ जी, ये जो उन्होंने शिर बोला है तो उस पर मस्तक पर लगाना है कि स्कैल्प पर लगाना? पूरा, वो आपने मूवी देखा होगा सलमान खान का तेरे नाम, उसमें पूरा लेप लगाते हैं, तो या तो बाल छिल के लगाए या बिना छिले पूरा उसके ऊपर लगा सकते हैं। जी तेसा गाड़ा नाम तेन परिशेक गम परिशेक शेक अवगाहं चा काय पुनाया द्रोण्या योजते तथा आर आर नाला दीवी परिशेक आदि योजते। तो बहुत योजते नहीं है, योजे ऐसा सोचे कि आप उस जमाने का ग्रंथ पढ़ रहे हैं जब केवल संस्कृत ही बोला जाता था, हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, मराठी नहीं, बंगला नहीं, कुछ राजस्थानी नहीं, केवल संस्कृत बोला जाता है, तब की किताब है ये सब। तो ऐसा है कि तेषाम गणानाम क्वातस तत्क्वात कायस क्वात कायस तत्क्वात, मतलब इन सब गणों का हमें क
काढ़ा बनाना है, फिर काढ़ा बना के परिषेक करना है, अब मतलब ऊपर से ऐसे गिराना है, स्प्रिंकलिंग करना है, अवगाह मतलब टब बात करना है, क्वाय पूर्णाय द्रोणिया म्यूजित, द्रोणी जैसे यंत्र में पेशेंट को पूरी तरह से डुबा देना है, सिर ऊपर रहेगा पर बाकी पूरा बॉडी अंदर डूबा रहेगा, तथा आरनाल भी परिषेकादि योजित, आरनाल मतलब एक तरह से मध्य कल्पना है आरनाल, फिर उसके बाद में ऐसे अलग अलग उन सब का भी परिषेक करना है, वो मेडिसिन से सिद्ध किया हुआ आरनाल, इनका परिषेक करने के लिए बुलाया। ये आयुर्वेद रसायन पढ़िए टीका, कौन पढ़ेगा? तीन लाइन है बस, कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है या इंटेलिजेंट बनना कौन चाहता है? डॉक्टर सोनी शाह मैम आपके इसमें दिख रहे हैं क्या आपके मोबाइल में? दिलीप जी आप पढ़िए, नहीं तो अश्विनी जी आप पढ़िए। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, पढ़िए। अभ्यंगार्थम ये है ना? हाँ। अभ्यंगार्थम तैलमाह सूत्रो सूत्र उक्तैश्च इति तैस्तैरित्य गण पठितै पठितैरपि तेरेव तैलद्रव्यै तत्क्वाथेन अरनाल अरनालादिभिर्वा पृथक् परिषेको अवगाहश्च। हाँ, आप कितना अच्छा संस्कृत पढ़िए, आप लोगों का असली में कन्नड़ लैंग्वेज पूरा संस्कृत जैसा ही है। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं, अभ्यंगार्थम तेलम महा सूत्रोक्तैश्चेति, अभ्यंग के लिए जो तेल बताए हैं, तो सूत्र स्थान में उक्तैश्चेति, सूत्र स्थान के जो गण है उनसे लेके और उसको सिद्ध करने के लिए बोला है। तैस्तर इत्यादि गण पठितैरपि, जो जो गण बताए हैं वो गण को लेना है और उनका प्रयोग करना है। तेरेव तेल द्रव्य, जब तेरेव शब्द बोल रहे हैं इसका मतलब तेल द्रव्य से सिद्ध करना है। तत्क्वाथे, उनका काढ़ा बनाना है। आरनालादि भी, आरनालादि बनाना है। पृथक परिषेक को अवगाह, अलग अलग परिषेक करना है या अवगाह करना है, ठीक है। डॉक्टर रीना जी आपको कैसा लगा पढ़ के, आप सच सच बताइए। डॉक्टर रीना जी आपको संस्कृत पढ़ के कैसा लगा? सर बहुत सालों बाद मतलब पढ़ा तो एकदम से अचानक से, मतलब जैसे फोन ऑन किया तुरंत, मतलब सोचा भी नहीं था कि एकदम से पढ़ लूंगी या क्या है। हाँ। स्टार्ट किया, ट्राई किया सर। हाँ, तो हम नहीं पढ़ेंगे ये ग्रंथ, तो कौन पढ़ेंगे? अंग्रेज आके पढ़ेंगे क्या? हमारे ही है सर, हमें ही पढ़ना है सर। आप हैं तो डर तो खत्म हो ही जाना है। हाँ, आपको मालूम है वंदना मैम भी पहले एक श्लोक पढ़ते टाइम घबराती थी, अभी देखिए मैम इतना इतना मस्त पढ़ती है ना कि क्या बताएं। अभी भी नहीं, अच्छा नहीं पढ़ती, पर आप कह देते हैं बहुत अच्छा पढ़ती है। नहीं आप पढ़ती हैं, अभी आप पढ़ने वाली हैं, बस ये कंप्लीट कर देते हैं कि इसमें देखिए कांजी का प्रयोग बताए, जल का प्रयोग बताए, दूध का प्रयोग बताए, शुक्त कल्पना और घृत, इनसे भी क्वात करके और इसका परिचय और अवगाहन करने के लिए बोला है। जी आरनाल को रिवाइज करवा दीजिए, आरनाल कौन सा इसमें ना, आरनाल बना के आपने बोला ना आरनाल, आरनाल मतलब ही कांजी है ना। हाँ कांजी। हाँ ओके, तो ये सबका प्रयोग करने के लिए बोला है, एक तरह से ये एक बहि परिमार्जन चिकित्सा के रूप में बोला है। इस पे अंजना मैम कुछ बोलेंगी क्या? अंजना मैम ग्रंथ लेके बैठी हैं तो कुछ बोलेंगी। जी सर, मैं ये देख रही थी कि जो उन्होंने बताया है ना सारा, कि कैसे कैसे कौन कौन से हमें द्रव्य लेने चाहिए, तो मैं वही द्रव्यों की थोड़ी सी स्टडी कर रही थी। मतलब स्पेसिफिक द्रव्यों के बारे में उन्होंने बता दिया है कि जैसे उन्होंने बताया है कि जो हम कौन कौन से गण ले रहे हैं और कौन कौन से हम जो कीटनाशक द्रव्य ले रहे हैं, और वो सारे द्रव्य हम लोग जनरली यूज ही करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैडम बता रही थी कि मैंने बताया था नागर मोथा कुटज है ना, तो इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने बताया, जैसे कि इन्होंने बताया है अड़ूसा, नीम, दूब, अनंता, शतावरी, प्रियंगू है ना, ये पद्म, ये जो सारे इन्होंने शालपर्णी, पिष्टपर्णी, कमल, नागर मोथा, इनको सबको जो पित्तदोष नाशक ही माना गया है। तो हम चाहे इसका तेल लगाएं, चाहे हम इसका लेप लगाएं, चाहे हम इसको क्षीर कल्पना दें, चाहे हम अवगाहन कराएं, तो नेचुरल सी बात है कि जो भी जिस तरह का भी हमारा कुपित पित्त है वहां पे वो शांत होना ही होना है। इसी तरह से मैं सारीवादी गण देख रही थी, तो सारीवा, खस, उसमें सफेद चंदन, लाल चंदन, मुलेठी, फालसा, ये सारे जो गण है सारीवादी गण के जो द्रव्य है,
अगर इसका भी हम कोई भी कल्पना से, चाहे हम क्वात कल्पना से यूज करें, चाहे हम कल कल्पना का लेप करें, चाहे हम क्षीर कल्पना को पिलाएं या गहन श्वेत कराएं, तो नेचुरल सी बात है कि हमारे जो पित्त का जो है साफ साफ बता रहे हैं, इन द्रव्यों का प्रयोग करने से दाहा, पित्तज रोग, रक्तज रोग, तृषा एवं जर का नाश हो जाता है। इसी तरह से आपने भी बताया था पद्म का आदिगढ़ की बात आई थी, और इसके अलावा जो थोड़ा सा मैंने देखा न्योगरादिगढ़, तो पद्मगादिगढ़ में भी यही सब लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि वंशलोचन है और गुरुच है और जीवनी करके द्रव्य इसमें बताए गए, पद्मकाष्ठ है और एक प्रोपोंड्रिक करके द्रव्य आता है। तो हमें वंशलोचन बहुत आराम से मिल जाएगा, गुरुचि को हम लोग, गिलोय को हम लोग सब जानते हैं, काकर श्रृंगी भी मिल जाता है और पद्मकाष्ठ भी मिल जाता है अगर हम मार्केट से देखते हैं। तो ये सब जो है वो वापस पित्तज को जो है नष्ट करता है और तृप्ति कारक है, जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, शरीर को पुष्ट करता है। इसके अलावा एक आपने बताया था न्योगरादिगढ़, उसमें हम लोग सभी जानते हैं बरगद, पीपल, गूलर, लोध्र, पठानी लोध्र, जम्बू, इसमें जामुन और कठ जामुन दोनों बताया गया है, अर्जुन और आमरा, इसके अलावा कायफल और फिर आम, वेद, चिरौंजी, पलाश, पारस पीपल, वेर, कदम, तेंदू, मुलेठी, महुआ। तो ये सारे जो गण बताए हैं ये भी व्रण का शोधन करते हैं, रोपण करते हैं, ग्राही हैं, टूटी हुई अस्थि को जोड़ते हैं और पित्तज रोग में, स्पेशली रक्त विकार में, तृष्णा, दाहा तथा योनि रोगों में ये बहुत लाभकारी होते हैं। तो ये मैंने कॉमन कॉमन जो आपने इसमें संदर्भ दिया था वो देखा था, और यही इन्होंने बात, उन्होंने ये भी बताया है कि मधुर स्कंद में क्या द्रव्य है, अम्ल स्कंद में क्या द्रव्य है और कषाय स्कंद में क्या द्रव्य है। तो मधुर स्कंद में इन्होंने अच्छे से बताया है, घृत और सोना तो उन्होंने लिखा ही हुआ है कि है घृत हेम है ना, लेकिन गुड़, अखरोट, केला, दालचीनी, नारियल, ताल फल इसे की कहा गया है, परूषक, फालसा, शतावरी, काकोली, कटहल, चिरौंजी, बला, अतिबला, नागबला, मेदा, महामेदा और चारों पर्णी जो हमारे पास शार पर्णी, पृष्ठ पर्णी, माश पर्णी, मुदक पर्णी, ये सभी जो है वो मधुर स्कंद में, स्पेशली गंभारी का भी वर्णन यहाँ पे आया है, ईख का आया है, दूध का आया है, मुनक्का का आया है, गोखरू का आया है, ये सब मधुर स्कंद में बताए। और अम्ल स्कंद में स्पेशली इन्होंने बोला है कि आंवला, इमली और सभी नींबू, विशेषकर बिजोड़ा नींबू, अम्ल वेतस दाड़िम, और यहाँ पर चांदी, रजत बोला है, मट्ठा बोला है, तक्र, चुक्र, दही, आम, आमरा, कमरक, केत और करमर्दक या करौंदा। तो इस तरह से इन्होंने जो है वो अम्ल स्कंद के बताए हैं। और जो कषाय स्कंद में है वो तो हम सभी जानते हैं, हरड़, वहेरा, शिरीष, खदिर, मधु, कदम्ब, गूलर, मोती, मूंगा और अंजन, गेरू, कच्चा कैथ और कच्चा खजूर, खजूर भी कच्चा होगा तो वो कषाय स्कंद में आएगा, और कमल कंद या कमल तथा उत्पल इत्यादि को जो है इन्होंने कषाय स्कंद में बताया। तो ये मैं थोड़ा सा आप जब पढ़ा रहे थे तो मैं इसको देख रही थी और इसी की कल्पना करके इन्होंने बहुत अच्छे से, आपने जो अभी डिस्क्रिप्शन पूरा बताया हम लोग को इस संहिता के माध्यम से, इसके टीका के माध्यम से, तो किसी भी तरह का चाहे वो सिर पे ही मर रह जाए या मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि केवल पेशेंट आता है कि मैडम मुझे बहुत दिनों से फीवर हो तो उतर गया है लेकिन मेरे सर पे बहुत भारीपन रहता है और मुझे लगता है मेरी आंखें भारी हो रही है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सर नहीं खुला है या मेरा अभी सर में बुखार है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस में हम इसको यूज कर सकते हैं, सारे द्रव्यों में से जो जो द्रव्य हमको मिले और उसको अगर हम उस रूप में उसका घृत सिद्ध करके नस्य दे दें अगर शिरोलेप में, या जैसे लेपन बता दिया है लेपन दे सकते हैं, या अभ्यंग भी, शिरोभ्यंग भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अक्षी पूरण भी कर सकते हैं, कर्ण पूरण भी कर सकते हैं, तो पेशेंट को बहुत फायदा मिलेगा। जी सर, और आपने बताया मधुर स्कंद में नारियल है तो नारियल का भी ऐसे पीस के और पूरा बॉडी में लगा दे, जी सर, हीट कम कर लेगा वो, जी सर, इसीलिए मैंने एक बार सारे द्रव्य पढ़ दिए कि एक बार रिवाइज होते हैं। उसमें केला भी बताया आपने, तो केले का भी लेप लगा देंगे तो हीट कम हो जाएगा। बहुत अच्छा अच्छा मुनक्का, गोकुल जो घर में रहता है मुनक्का हम लोग कितना यूज करते हैं उसको, तो बहुत ही अच्छी चीजें बताएंगे। जी सर, आप लोगों को मालूम है अंजना मैम बनारस की पवित्र धरती से पूरा ये पढ़ रही है, बनारस में पहले यही सब पढ़ा जाता था पूरा अपना अष्टांग हृदय सब। जी सर, अच्छा लगता है सर आपके साथ पढ़ना आपके साथ संहिताएं पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जी सर,
ठीक है, आगे का श्लोक कौन पढ़ेगा? 134 नंबर का श्लोक, दाहा नाशक कपित्थादि का लेप। कौन सबसे आगे बढ़ना चाहता है आयुर्वेद के प्रैक्टिस में? जो बढ़ना चाहता है वो पढ़ेगा। उषा मैम आप तो आगे हैं, और पढ़ेंगी तो और आगे जाएंगी। उषा तबानी मैम आप संस्कृत पढ़ेंगी कि खाना बना रही हैं? नमस्कार सर। आप पढ़ दो तो अच्छी बात है मैम, मैं आप लोगों को सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है मैम, आप मैम आप ये पढ़ दीजिए, बाकी टीका मकांक्षा मैम मिनल में आपसे पढ़ेंगे। दो मिनट, कौन सा पढ़ना है सर? 134 नंबर का श्लोक, 134-135। ठीक है, दाह नाशक कपित आदि का लेप। कपित मातु लु अम्लादि अम्ल विदारी रोद्र दाढ़ीमय बद्री पत्तल क्या है सर? पल्लवोत्थेन। पल्लवोत्थेन फेने नारिष्ट कस्य वा लिप्ते लिप्ते डे दाहरु दो छर्दी छर्दी से तृष्णा च सामयति। पढ़ लो अब हिंदी में ही पढ़ लो सब, नहीं तो आप ही समझा दीजिए। आप हिंदी में पढ़ दीजिए ना, इतना अच्छा तो पढ़ रही हैं। अच्छा तो कहीं नहीं, कुछ नहीं है सर, बीच बीच में इतना अच्छा रोक रहे हम। एथ बिजोरु अम्लवेतस विदारी लोध अनार बेर के पत्ते या रीठे के फल इनका झाग से अंग पर लेप करे, उससे दाह वेदना मोह प्यास और वमन नष्ट होता है। अम्लम अम्लवेतस अरिष्ट नीम इंदु बेर के पत्तों को कांजी से पीसकर कांजी से भरे पात्र में डालकर हाथों से मथने पर जो झाग उत्पन्न होती है उसे लेप करें। ठीक है सर, कितना बढ़िया पढ़ी आप। थैंक यू सर। और गुजरात की डॉक्टर हैं आप। अजना मैम और वंदना मैम पढ़ते हैं, आकांक्षा अरे हाँ वो लोग पढ़ते, मैं नहीं पढ़ती इतना सर। थैंक यू, अच्छा बात है ना, आपका बड़प्पन है हम लोग को इतना प्रेरित करे तो अच्छा लगता है हमें भी। थैंक यू सर जी, इसके बारे में भी तो बता दीजिए कि आपने पढ़ा तो आपको क्या लगा ये पढ़ के? नहीं बहुत ही अच्छा ही लगता है सर, और दूसरा के नॉलेज इससे इतना बढ़ता है कि इतना डीप में तो हमने कॉलेज में कभी नहीं पढ़ा, मैं सच बताती हूँ। क्योंकि जो खुद का एक्सपीरियंस होता है या ज्यादातर काय चिकित्सा की बुक ही खोलते थे हम लोग, उसी में से ही पढ़ लेते, मगर पूरा संहिता पढ़ते तो शायद अभी ज्यादा नॉलेज होता है, ऐसा मुझे लग रहा है सर। ठीक है, वो संदर्भ वाला बताइए कि आपको ये पढ़ा कैथ बिजोरा, इसको एक्सप्लेन करिए। क्या सर? ये जो आपने पढ़ा हिंदी में इसको एक्सप्लेन करिए। नहीं सर वो आप ही कीजिए प्लीज। नहीं अब मैं ही कैसे करूंगा, मैं तो बताऊंगा। आकांक्षा मैम आपको क्या समझ आया आप बताइए। आकांक्षा मैम सुन पा रही हैं क्या? जी, एक्सप्लेन करिए। जी सर, इसमें जैसे अभी हम लोग ने पहले अभी पढ़ा है तो उन्होंने और जो लक्षण इसके अलावा जैसे अभी यहाँ पे मुख्यतः शिरोदाह ऐसा लक्षण और शिर में जब ज्वर रह जाता है उसका अभी हमने पहले पढ़ा था, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ और जब लक्षण ऐसे कुछ शरीर में हो जैसे दाह हो वेदना हो अगर मोह हो रहा है तृष्णा लग रही है वमन जैसा अगर ऐसा लग रहा है तो इसको नष्ट करने के लिए उन्होंने कुछ द्रव्य बताए हैं जिसमें की कैट बताया है बिजौरा नींबू बताया है अम्लवेद बताया है। यानी यहाँ पे मुख्यतः अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आम ये और अरुचि ऐसा कहीं ना कहीं लक्षण मिल रहा है जिसके लिए यहाँ पे अम्ल द्रव्यों का यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लेप बताया है। तो देखिए भ्राजक पित्त पे काम करेगा लेप और वहां से अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा। देखिए लेप से भी वहां भी अब्जर्व हो रहा है ना, वहां पर भी पाचन हो रहा है और भ्राजक पित्त को भी काम करने के लिए लेप बताया सारा। और कांजी युक्त द्रव्य अम्ल रसात्मक और तिक्त रसात्मक अरिष्टक है उसको नीम बोला है इंदु में। तो ऐसा लेप बताया है ना कि जो स्थानिक पाचन करके दाह को वेदना को मोह को प्यास को वमन। आपको मालूम होगा जब मदग्नि सर बताते हैं
कि वो छोटे बच्चों को एक बार वो आईसीयू में थे, तो एक बार क्या हुआ कि कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम हो गया कि बच्चों को डिहाइड्रेशन हो रहा था और वहां पे मेडिसिन वगैरह भी नहीं था ताराचंद में जब सर थे तो, और मैम भी थी, उनकी वाइफ भी थी, तो वहां क्या किया कि सारे बच्चों को तर्पण करना था क्योंकि डिहाइड्रेट हो रहे थे और मेडिसिन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो सर ने क्या बोला कि सारे माए अपना दूध निकालिए और बच्चों को लेप करिए वो दूध का। तो फिर वो लेप कर करके फिर बच्चों को मतलब भूख मिट गया और बच्चों को तृप्ति हो गई, तर्पण हो गया। ऐसे लेप जो है ना, ये हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है, यहाँ से भी मेडिसिन डाला जा सकता है। जी सर, हम लोग हमेशा सर से ये चीज सुने हैं, और मतलब जब स्पेशली मतलब क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया मिल जाता है हमको वर्क करने का, और उसमें डिहाइड्रेशन है या ऐसे सिम्टम्स से बहुत अच्छा असर मिलता है। तो इसी तरह से उन्होंने और ड्रग हम लोग को और दे दिए हैं कि अगर आपको ऐसे कोई लक्षण मिल रहे हैं तो आप अंग में लेप लगेंगे तो फिर इन सारे लक्षणों में आपको आराम मिलेगा। जी, हमारे सर बताते हैं कि गांधी जी जो थे ना, महात्मा गांधी, वो 40 दिन 45 दिन भूखे कैसे रहते थे सत्याग्रह करते टाइम। तो वो क्या करते थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे महात्मा गांधी, वो क्या करते थे कि वो भूखे तो रह रहे हैं पूरे दिन दिन भर, लेकिन वो बादाम का तेल का अभ्यंग कराते थे। तो जब बादाम का तेल का अभ्यंग कराएंगे तो उनको भूख ही नहीं लगती थी, वो मतलब उनको वहां से अन्न मिल रहा था बादाम के तेल से। दुनिया को लगता था कि ये कुछ नहीं खाए, लेकिन बादाम के तेल से ही उनको सब मिल जाता था न्यूट्रिशन। एक चीज ये पूछनी है सर, इसमें जो ऊपर के सब पत्रा पे बताया उनको कांजी से ही पीसना है या बिना कांजी के, नीचे उन्होंने कांजी का मेंशन किया हुआ है सर, तो कांजी में ही पीसना है या उनको जल में पीस कर? टीकाकार ने बोला है कि कांजी से पीसना है, मैंने स्पष्ट किया कांजी से पीसने से वो दीपन पाचन कार्य हो जाता है, मतलब ऊपर से लेप लगा रहे तो अंदर जाएगा और अग्नि को प्रदीप्त करेगा, ऐसे स्त्रोतोरोध को दूर कर देगा और दाह जो है ना वो पूरी तरह से हीट को निकाल देगा। कांजी से ही झाग बनेगा ना, नहीं तो झाग कैसे बनेगा। ठीक है, ठीक है, टीका निकालता हूँ। और मिनल मैम आप पढ़िए। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, ये दाहनाशक लेप है ना, तो पित्त बढ़ने से जो पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं अर्टिकेरिया जैसे बड़े बड़े, उनके हाथों पैरों पे उठते हैं, तो उसमें ये लेप कर सकते हैं क्या हम? 100% कर सकते हैं। वहां पर भी अर्टिकेरिया में भी शीत पित्त होता है ना, पित्त दूषित हुआ रहता है और वायु और कफ का अनुबंध रहता है, तो वहां पर भी ये लेप लगाने से फायदा हो जाएगा। सर, इसमें अम्लवेतस जो द्रव्य बताया उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अम्लवेतस कुछ और नाम क्या? दीपन पाचन करता है, हमें अग्नि अग्नि पे काम करना है। अम्लवेतस क्या अग्नि को बढ़ाता है? सारे द्रव्य देखिए, वो दाहाग्नि भी है और दीपन पाचन करने वाले हैं। तो सोरेसिस के पेशेंट में भी ऐसे लक्षण मिलते हैं ना? हाँ, वहां पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं सर हम भी। हाँ डॉक्टर मीनल मैम, आप ये टीका पढ़िए अरुंधत की। यस सर। कपित्थादि भी कपित्थादि भी पर्दरी पल्लवेन द्वेन वेन वा फेनेन लिप्तेन अंगे स अति दहा आदय साम्यन्ति। हाँ, इसका मतलब है कि कपित्थादि जो द्रव्य है, तो कपित्त है, फिर बद्री है मतलब बेर है, इनके पल्लव लेना है, पल्लवोद भवेन वा फेनेन, मतलब उनसे उत्पन्न जो भी रस निकलेगा या फेन कांजी में बनाया हुआ फेन, वा मतलब और है, मतलब ये ऑप्शन है, लिप्ते अंगे उसको लिप्त कर देना है अंग पे, तो इस सती इससे क्या होता है दहा देह शामयंती, दहा और फिर अरुचि मोह छर्दी तृष्णा ये सब कम हो जाता है। सर, ये सारे द्रव्य ना मिले तो इनमें से कुछ द्रव्यों को लेकर? हाँ, कुछ द्रव्य भी लीजिए और कांजी में मिलाइए या बिना कांजी में मिलाइए। वा जब बोल दिया ना पल्लवोद भवेन वा, वा का मतलब है कि ऑप्शन है, कांजी के साथ करिए या बिना कांजी के साथ, पानी के साथ मिक्स करके लगा दीजिए। ओके सर, आप ऐसा करिएगा जब भी आपके पास फीवर। हाँ सर, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, सब एक चल रहा था हाथ पैरों के दाह का, तो उसका एक नया ऑप्शन मिला है उसमें, मैं चंदन 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 का प्रयोग ज्यादा कर रही थी तो ये प्रयोग कर सकती हूँ। अनुरीता मैम, आपके पास जब केमोथेरेपी लेके पेशेंट आते हैं और दाह होता है तब आप ऐसा करिएगा। अनुरीता मैम है क्या? अनुरीता मैम वैद्य जी। हाँ जी
ये जो जब ज्वर के बाद में जो दाह हो रहा है यानी पित्त जब पड़ा है उसी के शांति के लिए जैसे उसमें भी कर सकते हैं और बिना ज्वर के भी दाह हो रहा है उसमें भी कर सकते हैं। नहीं जैसे डायबिटीज में के जो मरीज होते हैं उनके पैरों में जो दाह हो रहा होता है तो वो बताते हैं कि उसके अंदर काय का लेप लगाएंगे। उसके अंदर भी ये सब कर सकते हैं, ये दाहग्न लेप है, दाहग्न लेप है, वो सब जगह अप्लाई हो सकता है। वो न्यूरोपैथी की वजह से जैसे बताते हैं तो उसको हाँ। बात का मतलब समझ के करेंगे कि कैसे समझ के करेंगे। नहीं उसमें बात का भी समझेगा, पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट समझेगा, न्यूरोपैथी जब होता है तो ये सारा अच्छा, अगर बात का समझेंगे तो शीत चिकित्सा करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या प्रॉब्लम होगी ये तो आपसे पूछ रही हूँ। नहीं होगी प्रॉब्लम, अभी डायबिटीज में भी ऐसे होता है ना कि दाह होता है, मोह होता है, छर्दी होता है, तृष्णा होता है। वंदना मैम जैसे कि अभी हाँ नमस्कार सभी लोग को। अभी हमने जैसे ड्रग पढ़ी, जैसे अभी मीना मैम ने पूछा ना कि अम्लवेतस क्या होता है, तो जैसे अगर आप ड्रग के बारे में पढ़ोगे ना मैडम तो हर ड्रग का अपना एक लक्षण होता है और उसका चिकित्सा भी बताया गया है। तो आपने अम्लवेतस के बारे में मैंने थोड़ा सा देखा तो उन्होंने साफ साफ ही बता दिया कि हिक्का आनाहा रुचि श्वास कास जीर्ण है ना, और कफ वाता व्याम धंसी छाग मान, मतलब जितना भी आप जो बता रहे हो कि जो भी दहा है वो दहा में वो लाभदायक होगा ही हो। ये मतलब ये जो है वो भाव प्रकाश में चरक सूत्र में फल वर्ग में सब में ये बताया है। और जो मैडम पूछ रही थी कि अम्लवेतस का क्या है, तो अम्लवेतस को मैडम अम्लवेतस के नाम से ही माना जाता है और इसका जो लैटिन नेम है वो गार्सिनिया पेरेनकुलेटा है। इसका एक नाम शतवेधी है जो तीक्ष्णता के कारण गलाने वाला इसको कहा गया है, और इसका जो गुण है वो लघु रूक्ष और तीक्ष्ण माना गया है, और विपाक भी अम्ल है और रस भी अम्ल है, और वीर्य इसका उष्ण बताया है। और लेकिन उसके पश्चात भी जो भाव प्रकाश ने भी बताया है और जो हम संहिताओं में भी पढ़ रहे हैं इन्होंने ये स्पेशली बताया है कि ये जो है वो तृष्णा में दाहा में बहुत लाभ करता है। नहीं मैडम मतलब वात पित्त नाशक ये सब तो गण है, वात पित्त नहीं वो दाहग्न कार्य ही करते हैं, उनका प्रभाव ही है। जो दाह जो है वो अलग अलग डिजीज में जैसे दाह है तो ये तो पता करना पड़ेगा ना कि दाह का कारण क्या है। देखिए दाह जो रहता है वो ज्यादातर पित्त के वजह से होता है, पित्त के वजह से दाह हो रहा है, लेकिन उसमें वातानुबंधी है, पित्तानुबंधी, कफानुबंधी, कौन सा उसमें डोमिनेंस है उस हिसाब से। अब दाह है और फिर पेन भी हो रहा है, पेन भी हो रहा है, दाह भी हो रहा है, तो वायु है उसमें, और बहुत ज्यादा स्तब्धता है तो कफ है उसमें। ये जो दाह नाशक लेप है ये उसमें भी लगा सकते हैं, अर्थ में दाह दूर करता है ये। सर इसका यूज मैंने ना इसमें किया है सर, फिशर के पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, उसमें अम्लवेतस कपित और बदर ये तीनों का अगर हमने पेया के स्वरूप में या किसी भी रूप में प्रयोग किया तो सर दाह में बहुत अच्छा इफेक्ट होता है और पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये वाकई में दाह के ऊपर और कहीं ना कहीं पेन के ऊपर बहुत अच्छा, जैसे उन्होंने बताया वैसे बहुत अगर आप यूज करते किसी रूप में तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। किस पेशेंट ने बताया मैम आपने? फिशर में मैम, फिशर के पेशेंट, फिशर। आकांक्षा मैम रिपीट कर दीजिए प्लीज, यहाँ मेरे को सुनाई नहीं पड़ा। मैम मैंने बोला कि ये जैसे हम लोग अभी एक्चुअली पीछे भी अभी हम लोग ने पढ़ा था उसमें एक और वर्णन आया है जिसमें ज्वर परिकर्पिका पेया के रूप में हमने जिसको पढ़ा है उसी का यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक रिपीटेशन जैसा लग रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी ये चीज डिस्क्राइब की थी। और यहाँ पे भी जैसे मैं पेशेंट्स में पेया जो बनाती हूँ उसमें कपित्त है, बिल्व है, बदर कपित्व है और बदर एक्चुअली बदर पत्र नहीं मिलता है ना, तो हम लोग ना बोरकुट वहाँ महाराष्ट्र में ना बोरकुट बड़ा फेमस है जो बेर की छाल का बनता है और उसमें थोड़ा सा बड़ा टेस्टी साइड मिलता है तो वो पूरा मिश्रण ही मिलता है। तो मतलब मैं यूजुअली वो देखती हूँ तो पेशेंट को ना खाने में बड़ा टेस्टी लगता है वो, और साथ में कपित्त मिला के और अम्लवेतस मिला के ये तीनों मिला के देते हैं, या कभी कभी सुबह के टाइम पे पेया देते पेया के रूप में दे देते हैं और शाम में और रात में ऐसे चूर्ण के रूप में दे देते हैं। तो फिशर में इसका बहुत अच्छा यूज होता है मैम, पेन भी कम होता है और जलन दाह बहुत अच्छी पेशेंट को कम। मैडम मैंने अभी दिया है पेशेंट को, लिखा है मतलब, तो इसके रिजल्ट कैसे हैं? मैंने तो बस ये पढ़ते में ही देखा परिकर्तिका या वागु, तो मैंने उसको बोल लिख के सारा दे दिया, तो आपने रिजल्ट कैसे देखे मैडम उसके? मैम वही मैं बता रही हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ मैम, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, पेशेंट का दाह पेन चला जाता है।
इसके साथ आप लोकल एप्लीकेशन वगैरह के लिए दादाजी वगैरह जरूर दीजिए, लेकिन ओरल मेडिकेशन के रूप में इसका बहुत अच्छा रूप है। जी जी थैंक यू। अंजना मैम आपने स्टेटस में, सॉरी आकांक्षा मैम, अंजना मैम नहीं, आकांक्षा मैम आपने स्टेटस में वो जो स्वर्ण प्राशन करके बच्चों को समझा रही थी वो बहुत अच्छा लगा। उन लोगों के ना पेरेंट्स को बड़ी उत्सुकता थी एक्चुअली, वो पहली बार सब सुन रहे थे ये सब क्या होता है, तो उनको समझाना जरूरी था ताकि उस चीज के बारे में उनको इम्पोर्टेंस पता चले, तो इसलिए सर थोड़ा सा। और आपका क्लिनिक भी देख के ऐसे लगा कि सच में आयुर्वेदिक डॉक्टर का है क्लिनिक। जी ठीक है। ये टीका एक और बाकी है, आयुर्वेद रसायन टीका, ये कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ देती हूँ। मैम पढ़ी थी ना? अच्छा सर मैम पढ़ी। हाँ आप लोग देखिए, केवल गौर से देखिए, बंद्रा मैम कितना बढ़िया पढ़ेंगी अभी, कितना शुद्ध उच्चारण। अच्छा वैजी ऐसे मत बोलिए क्योंकि मुझे पता है मैं कहाँ गलती करती हूँ। और दूसरी बात, कल मेरा बहुत अच्छा कैंप गया यूनिवर्सिटी में, और मैंने अपने क्लिनिक पर किया था इसका, और हम लोगों ने यहाँ मातृ दिवस भी बनाया साथ में, तो बहुत अच्छा, तो मैं इसकी फोटो शेयर करूंगी। और आज आपको तेल भी मिल जाएगा नस्य का, तो आप मुझे बताइएगा कि नस्य देने से कैसा लग रहा है आपको, लेने से और देने से? जी बिल्कुल, थैंक यू। मैं पढ़ देती हूँ उसको। दाहग्न लेप त्रय माह कपित पेति मातु लुंग स्या अम्ल केसरम अरिष्ट को रक्षा फल वंग सेने तु जिह्वा तालु गल क्लोम शोषे मूर्धग्नि तु दापियेत केसर मातुलुंगस्य मधुसैंधव मधुसैंधव स युतम संयुतम इति। हाँ अभी इसमें किसी को कुछ गलत लगा क्या? इतना बढ़िया पढ़ी है, एकदम स्पष्ट उच्चारण से पढ़ी है, मुझे तो कोई गलत नहीं लगा। इसमें ऐसा बोल रहे हैं, दाहक ने तीन तरह के लेप बताए हैं, कपित्त थे कपित आदि से तीन तरह के लेप बताए हैं। एक कपित्त का बताया है, एक बद्री पल्लव पल्लव मतलब बेर के पल्लव का, और एक अरिष्टक मतलब ये नीम का। तीन तरह के रीठा 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 सर अरिष्टक रीठा रीठा है, और वो हिंदु का उन्होंने हिंदी में लिखा है कि नीम ऐसे बोले, कोई भी ठीक है। इसमें तीन तरह के लेप बताए हैं, एक कपित्त मातुलुंग आम्ल विदारी लोद्र दाढ़ी में बद्र बद्री पल्वथिन फेना अरिष्टक सेवा, मतलब कपित्त वाला एक हो गया, एक बेर के पत्ते वाला हो गया, और एक अरिष्टक वाला हो गया, रीठा वाला या रीठा बोलिए या नीम ऐसे बोलिए, और अरिष्टो अरिष्ट को मतलब रक्षा फल ऐसे बोला है। फिर वंग सेने तो वंग सेन ने ऐसा बता रहे हैं, ज्वर रोगाधिकार में 258 नंबर का श्लोक, इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि जीवा तालु गल क्लोम शोषे, मतलब अगर जीव सूख रहा है, तालु सूख रहा है, गल और गला और क्लोम, मूर्धनी तो दापित, इसको मूर्धा मूर्धनी में लगाना है, मतलब अंदर ही अंदर लगाना है। केसर मातुलुंगस्य, इसमें केसर लेना है, मातुलुंग लेना है, मधु सैंधव संयुतम, मधु लेना है और सेंधा नमक लेना है, इसको मिक्स करना है और इसको वहां पे लगाना है, कहाँ पे? जीवा में, तालु में, गले के ऊपर और क्लोम में, तो इन सब में ये फायदा करता है। इस तरह का लेप इंटरनली भी लगाने के लिए बोले और एक्सटर्नली भी। जी रीना मैम सुन रही हैं क्या? देखिए वंदना मैम पहले घबराती थी, अभी कितना बढ़िया पढ़ी है, तो आप भी कभी रीना मैम एक दिन इतना अच्छा अच्छा पढ़ेंगी ना कि सब लोग बोलेंगे कि वाह रीना मैम इतना अच्छा पढ़ रही हैं। अभी हम आगे पढ़े कि रुक जाएं? अनुरिता मैम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ सर मैं अनम्यूट नहीं हो पा रही थी सर, बहुत थैंक यू वेरी मच सर, क्योंकि ये सच में मुझे नहीं मालूम था या यूज नहीं करती थी कि बदर रीठा और ये सारी चीजें अगर हम यूज, जैसे अभी बताया तो मैं सारी वहां मंजिष्ठा और चंदन के आगे, क्योंकि केमोथेरेपी के और रेडियोथेरेपी के बाद के बर्न्स और दाह बहुत अलग होते हैं, पर्टिकुलरली जिसको हार्पिस जोस्टर है ना सर, उस पेशेंट का दाह के लिए भी शायद हम ये यूज कर सकते हैं, राइट ना सर? हाँ, हाँ तो वही मैम, क्योंकि उसका और इन दिनों में जिसको होता है बहुत सीवियर बर्न होता है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर द फॉर्मुलेशन। और मैम हार्पिस में तो अपन नीम का करते ही है ना लेप? मैम वही टिपिकल हम नीम और जात्यादि यूज करते हैं ना मैम, लेकिन यहाँ पे देखिए ना यहाँ पर बद्री का, मतलब बद्री पत्र का मिला,
वही वही। और बदर पत्र तो बहुत इजीली मिल सकता है, मतलब जहाँ गांव वगैरह है वहां पे, या फिर हम चून बना के रख सकते हैं। तो उसका कषाय रस का इन्होंने ये बहुत अच्छी तरह से ये किया है, यूज किया है। मैम इसमें जो जिसमें पेशेंट्स बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है ना, वहाँ पे भी इसका बहुत अच्छा लेप यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे कपित है, जैसे यहाँ पे बदर ये बोला गया है ना, उसका भी बहुत ज्यादा हैवी फ्लो है, तो वहाँ पे भी इसका यूज कर सकते हैं। वहाँ पे भी दाहा और पित्त का शमन होगा, तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है। मैडम मेरा जो फॉर्मूला ही है दाहा के लिए, गोपी चंदन, रक्त चंदन, उसके बाद में दारू हरिद्रा और हरिदा, तो उसमें और ऐड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी जी। और अनुरिता मैम आपकी माताजी कैसी हैं? आपने डीपी में तो लगाया था, आपके जैसे ही चेहरा है उनका। अनुरिता मैम यस सर, थैंक यू। आपकी माताजी का तबियत कैसा है? एकदम एकदम बढ़िया है सर, कल मदर्स डे एंजॉय किया था उन्होंने। घर पे ला दी आप उनको? घर पे ला दी कि हॉस्पिटल में ही है? हाँ हाँ, नहीं नहीं घर पे है वो, मैं अहमदनगर उनको दर्शन लेके गई थी। मैं थोड़ा अकेडमी में हूँ सर, तो मैं बाद में बात करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्लेसिंग्स, आपकी वजह से जल्दी ठीक हो गई। ठीक है, तो मोनिका मैम हम आगे का श्लोक नहीं पढ़ते हैं, आप रुद्राष्टक पढ़ दीजिए मोनिका मैम। जी सर, जी सर, जी प्रणाम सभी को। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं निराकारमोंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोहं तुषाराधिशंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुनमौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालवालेन्दुकंठे भुजंगा चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियशंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणिम भजेहम भवानी पति भाव गम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद सन प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी नयावदुमानातारविन्दं भजन्ति हलोके परेवा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो घताताप्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामि शिशम्भो प्रभो पाहि आपं नमामि शिशम्भो। प्रणाम सर। हाँ, अभी फेसबुक और जूम पे टोटल मिला के 100 लोग देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, तो हाँ ये 100 लोगों को पढ़ना है अपने ग्रंथ, तो मतलब कितना अच्छा है डेडिकेशन की पढ़ना ही है हमें माधव निदान और ये अष्टांग जी। तो अभी सेशन बंद कर दें, टाइम हो गया। अंजना मैम बंद कर दें क्या? अंजना मैम जी हाँ, जी सर बंद कर देते हैं, फिर शाम को मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम प्रणाम सभी को।